बैक टू माई चैनल। तो लास्ट के कुछ वीडियोज में मैंने आपको अनबॉक्सिंग बताई थी डिकैथलॉन के प्रोडक्ट्स की, और मैंने ये कहा था कि आगे आने वाली जो वीडियोज होंगी उसमें इंडिविजुअली हर एक प्रोडक्ट के बारे में बातें करेंगे कि हर एक प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं और क्या इनमें खामियां हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये जंप रोप। सो जंप रोप 100 के बारे में ये रिव्यू करते हैं आज इस वीडियो में, और देखते हैं क्या इसमें खासियतें हैं, क्या हैं खामियां। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है जंप रोप 100। इसके प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है MRP ₹299। और दोस्तों आप हैरान होंगे, ये सिर्फ मुझे ₹99 में मिली है, ओनली फॉर 99। सो ये दो हटा दीजिए, ओनली ₹99। चलिए इसको खोलते हैं। तो दोस्तों इसको यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ, और ये और इसका जो मटेरियल है दोस्तों वो है PVC। दोस्तों इसके हैंडल्स पे ये डोमियोस का ब्रांड है, देखिए इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ डोमियोस। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस वाले हैंडल पे भी लिखा हुआ है डिकैथलॉन। डिकैथलॉन इस पर 2 ईयर्स की वारंटी आपको देता है। अगर स्किपिंग करते दौरान ये कहीं टूट जाती है तो आप इस पर वारंटी क्लेम के लिए उनको मेल डाल सकते हैं। एक्सेप्ट करना ना करना वो उनके सोल डिसीजन पे डिपेंड होता है। बाकी अगर आप कोई भी इसमें डिफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इसमें फील करें ड्यूरिंग स्किपिंग, सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम ऑन देयर ईमेल। व्यूअर्स, इस जंप रोप के प्रोस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये इसकी हाइट जो है एडजस्टेबल है, 3 मीटर इसका टोटल साइज़ है और आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी दूसरी खासियत यह है कि इसके एंड्स पर ये एडजस्टर्स दिए गए हैं। अगर आपको इसकी लेंथ बड़ी लग रही है तो आप इसको यहाँ से निकाल कर थ्रू दिस गैप, ये अंदर से हॉलो हैं इसके हैंडल्स, और इसको आप काट के दोबारा यहाँ एडजस्टर में फिट कर सकते हैं, और इसको दोबारा आप इसके थ्रू यहाँ से पास करके अपने स्किपिंग को कर सकते हैं। एक खास बात और बताई गई है कि ये एब्रेशन रेसिस्टेंस है, और स्पेसिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि इट इज़ फॉर द बिगिनर्स। बट मेरा मानना है कि आप बिगिनर हो या एडवांस, आप कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गुड थिंग्स अबाउट इट। जो एक दो खामियां मुझे लगी, इसमें कोई बेयरिंग नहीं है, जैसे रिवॉल्विंग जब आप इसको स्किप करेंगे तो ये रोटेशन नहीं है इसमें, यहाँ पे एक बेयरिंग होता है बहुत सारे जो स्किपिंग रोप होते हैं, तो एक खामी इसमें बस वो है।